Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. मोशन को हम मैकेनिक्स की किस ब्रांच में पढ़ते हैं? उस ब्रांच का नाम है काइनेमैटिक्स। तो हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमैटिक्स। और जो मोशन की स्टडी करते हैं हम काइनेमैटिक्स में, इट इज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, यहां पर हम जो है फोर्स को जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। यहां पर हम मोशन की जो है वो स्टडी करते हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। यहां पर हम फोर्स को जो है वो कंसिडर नहीं करते। फ्रॉम अवर एवरीडे एक्सपीरियंस वी रिकॉग्नाइज दैट motion represent the continuous change in the position of an object. हम अपने डेली एक्सपीरियंस से कह सकते हैं मोशन क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजिशन में जो है कंटिन्यूअस अगर चेंज आती है तो वो मोशन कहलाती है। बट विद हम यहां पर जो है कंपेयर करते हैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल जो है बाइक है, आपकी रोड पे चल रही है, आप देखते हैं कि रोड से कंपेयर करेंगे आप कि बाइक जो है वो रोड से जो है वो एक डिस्टेंस कवर करके जो है वो चली गई, मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। अभी आपके पास खड़ी थी और अब जो है आपसे 100 मीटर जो है वो दूरी पे जो है मोटरसाइकिल है। तो आप कह सकते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो मोशन कहलाती है। बट यहां पर हम उसे जो है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जो है नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट से जो है वो कंपेयर करते हैं। तो उस नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि हमें रेफरेंस पॉइंट को भी जो है वो समझना होता है। तो मोशन और रेस्ट की जो है बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेंगे। मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन If its position change continuously with respect to the surrounding, अगर इसकी position continuously change होती रहती है with respect to surrounding, तो हम इसे motion कहते हैं। तो क्या definition होगी motion की? A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surrounding, तो हम इसे जो है वो क्या कहते हैं? Motion कहते हैं। And when a body changes its position continuously with respect to surrounding after interval of time, then we say that body is in motion. तो हम कह सकते हैं जो body होगी वो क्या होगी? Motion में होगी। और यहीं पर हम देखेंगे rest क्या होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे rest के बारे में। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time. तो एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं रेस्ट में अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम। तो मोशन और जो रेस्ट है ये रिलेटिव टर्म है। मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म। हम कैसे समझेंगे इस बात को? फॉर एग्जांपल मैं जो हूं एक ऑब्जेक्ट है, मैं हूं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं और अगर मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मैं यहां पर चला जाता हूं, तो जो रूम में मेरे ऑब्जर्वर होगा वो ये कहेगा कि मैंने अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज किया, तो मतलब मैं मोशन में हूं। और अगर मैं इसी ब्लैक इसी व्हाइट बोर्ड की बात करता हूं, जो ऑब्जर्वर होगा ये व्हाइट बोर्ड जो है ये वॉल पे जो है वो फिक्स है, तो ऑब्जर्वर के लिए ये जो व्हाइट बोर्ड होगा ये रेस्ट में होगा, ये रेस्ट में होगा व्हाइट बोर्ड। बट अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज करता हूं, यही व्हाइट बोर्ड यही इसी वॉल पे फिक्स है, ये जो है किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिए जो है वो मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो है रोटेट करती है और वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व भी करती है। और वो हमारी जो अर्थ है, अगर कोई ऑब्जर्वर जो है अर्थ को बाहर से देख रहा है, किसी को प्लेनेट से देख रहा है, तो वो ही उसके लिए तो जो अर्थ है वो पूरी की पूरी मोशन में है और अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में होगा, तो उसके लिए जो ये व्हाइट बोर्ड है ये भी मोशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से वो क्लैरिफाई करते हैं। हम जो है ट्रेन की कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ट्रेन है, ट्रेन में पैसेंजर सीट पे जो है बैठे हुए हैं,
फॉर एग्जाम्पल सीट नंबर 5 पे जो है एक पैसेंजर है, हम उसकी बात करते हैं। सीट नंबर 5 पे जो पैसेंजर है वो जो है अपनी सीट पे बैठा हुआ है, और जो उसके साथ एडजेसेंट पैसेंजर है पूरी ट्रेन कंपार्टमेंट में, वो पैसेंजर उनके लिए जो है वो रेस्ट में होगा। लेकिन वही पैसेंजर जो है अगर हम ऑब्जर्वर जो है वो चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और उस ऑब्जर्वर के लिए जो है वो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, और ट्रेन के अंदर जो भी गुड्स है जो भी पैसेंजर है वो भी मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो ऑब्जर्वर होगा वो अब मोशन में होगा। तो कहने का ये मतलब रेस्ट और मोशन जो होती है वो रिलेटिव टर्म्स होती है, और एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकती है और वही बॉडी जो है वो मोशन में भी हो सकती है अगर हम उसका ऑब्जर्वर जो है वो चेंज करते हैं। तो यहां पर एक टर्म जो है हमें जो है डिफाइन करनी पड़ती है, और वो टर्म है की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन जो है, हम फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है वो जरूरत पड़ती है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है हम इसे जो है पढ़ेंगे अभी। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो हमें जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है वो जरूरत होती है। ए कन्वीनिएंट वे टू सेट अप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज द थ्री एक्सिस। थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं हम, या हम तीन परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं और किसी भी पोजीशन को जो है हम वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने तीन एक्सिस लिए, जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा जी कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स वाई जेड जो होंगे ये हमारे तीन कोऑर्डिनेट होंगे, और इन्हीं को हम कहेंगे जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हमने कोई भी पोजीशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो लोकेट करनी होगी तो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आज पोजीशन यहाँ पर है, हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ पर जो है वो 10 सेंटीमीटर वाई एक्सिस से दूर है, तो हम कह सकते हैं ये 5 और 10 होगा। और अगर हम ये किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन अब चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ पर चला जाता है, तो हम कह सकते हैं ये अब जो है यहाँ पर पोजीशन 11 होगी और यहाँ पर जो होगा ये 12 होगा। तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये ए डैश है और इसकी पोजीशन 11 12 है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लोकेट करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मोशन का जो चैप्टर है हमें इसमें कौन कौन से वो टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं मोशन में हमें जो है वो कौन कौन से जो टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, हमने यहाँ पर देखना है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मतलब मोशन और रेस्ट के बारे में जो है पहले पढ़ने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर क्या होता है, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है वो वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, और यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनका डिफरेंस भी जानना है, और इनके रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो है न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड बच्चों क्या होता है और जो होता है वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। और फिर हमने पढ़ना है एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, और इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है इन पे जो है आपको न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व करने हैं। और फिर हम पढ़ेंगे यहीं पर जो है मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनकी आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी और ऐसे भी जो है ग्राफ के बारे में जो पूछा जा सकता है, आपको पहचानने के लिए आएगा कौन सा ग्राफ जो है किस मोशन का है, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल जो है आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है समझनी होगी। और लास्ट में हमारा जो एक टॉपिक बचेगा वो रहेगा हमारा मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन को हम समझेंगे अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। हर वीडियो में जो है मैं आपको जो है
इनके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ साथ भी कराऊंगा और लास्ट पे जो होगा हमारा स्पेसिफिक एक सीरीज चलेगा जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो होगी वो स्पेसिफिक सीरीज होगी जिसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे और हमारा टॉपिक जो था वो था मोशन। तो मोशन हमने समझ लिया, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम। अगर बॉडी की जो पोजीशन जो होती है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ, हम उसे क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। बट ये डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग पे, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पे, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो कौन है। सेकंड रश भी हमने समझ लिया। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, वो एक प्लेन में भी हो सकती है, मोशन जो होती है वो सर्कुलर भी हो सकती है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? When an object moves in one direction, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और नेक्स्ट हमारी आती है मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल। अब यहाँ पर जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, बल्कि मोशन जो होगी हमारी प्लेन में होगी, मतलब किसी दो एक्सिस के बीच में हो सकती है कि मोशन। और हम कह सकते हैं वन एन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग टू डायरेक्शन, और एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो अलॉन्ग टू डायरेक्शन में जो है वो चल रहा है। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक्स और वाई जेड एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट हमने लिया वो जो है एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है, ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। और थर्ड हमारी टाइप होती है मोशन की सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जैसे कि आप देख सकते होंगे जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है किसी भी सर्कुलर पाथ में, ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है मोशन की जो हमने टाइप्स देखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, उसमें हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ना है, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी रेक्टिलिनियर मोशन से। क्या रेक्टिलिनियर मोशन जो होते हैं वो क्या होती है? तो हम शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। पहली मोशन आपकी आती है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यहां पर हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। फर्स्ट थिंग इज कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होती है, यह मोशन जो होती है किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की होती है, ये किसी भी कंप्लीट बॉडी की नहीं बल्कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की होती है। तो ये जो मोशन होती है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, और ये जो मोशन होती है ये स्ट्रेट लाइन में होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मोशन हो रही है किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इन स्ट्रेट लाइन हम बोलेंगे, तो वो जो मोशन होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन में होगी। तो आप देख सकते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, उसे हम रेक्टिलिनियर जो है मोशन कहते हैं। और ये मोशन जो है वो कर्व पाथ पे भी हो सकती है, लेकिन जो है मोशन जो होगी वो किसकी होगी, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो है हो सकती है। और यहीं पर हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर के बाद ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में जो है क्या क्या पढ़ना है हमें, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, यहां पर जो मोशन होगी, मोशन जो होगी बॉडी की वो भी स्ट्रेट लाइन में ही होगी, लेकिन यहां पर जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहां पर एक पार्टिकल नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास ये है, यहां पर जो है एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां पर दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, थर्ड पॉइंट है वो भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और ये जो बॉडी बनी होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहां पर एक पार्टिकल्स की मोशन थी जो कि स्ट्रेट लाइन में थी, सपोज यहां पर पार्टिकल था यहां से यहां गया, वो रेक्टिलिनियर मोशन थी। ट्रांसलेशन में जो होगा वो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स होगा, यहां वाला पार्टिकल भी जो होगा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से, यहां वाला भी जो है 5 मीटर पर सेकंड से जो होगा वो चल रहा होगा। तो ऐसी मोशन को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, और यहां पर जो होगा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स होगा, मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो मूव कर रही होगी, वो अपनी पोजिशन जो होगी वो चेंज कर रही है। अगर ये बॉडी चलेगी ये पूरा ऐसे चलेगी, ये बॉडी जो होगी ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। अगर ऐसे चलेगी तो हम ये समझेंगे इसका जो, अगर ऐसे चली तो मतलब इस जो अगला पोर्शन इसकी 7 मीटर जो है पर सेकंड स्पीड होगी, और बॉटम वाले की जो होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब इनकी स्पीड जो होगी वो बराबर नहीं होगी।
तो इनको जितने के लिए जो इनको मूव करना है, अपना पाथ जो है चेंज करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूरा जो होगा एक साथ मूव करेगा। यहाँ पर ये नहीं कि एक पार्टिकल की अलग होगी दूसरे पार्टिकल की अलग होगी, तो पूरा का पूरा पार्टिकल जो होगा वो एक साथ जो होगा वो मूव करेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो हमने जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी समझ लिया, ट्रांसलेशनल मोशन भी जो है वो समझ लिया। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो कि स्ट्रेट लाइन में चलता था। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, पॉइंट नहीं था, यहां पर सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स थे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो थे दे आर मूविंग अलोंग द पैरेलल लाइंस और उनकी जो स्पीड थी वो भी सेम थी। अब हमारी थर्ड टाइप की मोशन आती है सर्कुलर मोशन। तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, इफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट इज डूइंग इन अ सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। और इसी सर्कुलर मोशन को हम एक और नाम देते हैं एंगुलर मोशन। तो यहां पर हमने देखा जैसे कि फैन है, फैन चल रहा है। अब फैन जो है पूरे दिन चलता रहता है, हम इसे बोल रहे हैं कि फैन चल रहा है, ये मोशन कर रहा है। बट हमने मोशन में पढ़ा कि वो अपनी पोजिशन को चेंज करे, हम उसको जो है मोशन कहते हैं। तो यहां पर एक नई कैटेगरी की मोशन होती है एंगुलर मोशन। यहां पर हमने रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में ये देखा कि अपने कोई पार्टिकल आती है जैसे बाइक है, वो यहां से यहां चल गई, अपनी पोजीशन जो है उसने चेंज की, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो कवर किया, तो वो यहां पर क्या कवर करती है, लीनियर डिस्टेंस कवर करती है। पर सर्कुलर मोशन में जो है हमारे पास फैन है, ये हमारे पास फैन है, तो फैन क्या काम करता है, तो फैन जो होता है वो लीनियर डिस्टेंस नहीं कवर करता, तो वो एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है। और जिसे हम बोलते हैं उसने एंगल कवर किया, क्या किया, तो हम पता है सर्कुलर मोशन ज्योमेट्री में पढ़े हैं सर्कल से रिलेटेड है, 360 डिग्री जो होता है वो एंगल होता है। तो यहां पर एक बार फैन की ब्लेड्स जो है उन्होंने रोटेट किया इस तरीके से जो है वो, अगर रोटेट करते हैं तो वो यहां पर आप यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां पर वापस आते हैं, तो एक बार 360 डिग्री का एंगल जो है वो कवर कर लेते हैं। हमने पढ़ा मोशन जो है टाइम कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो है हम देखते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम दोबारा यहां पर आते हैं तो फैन जो है हमको इसी पोजिशन में दिखेगा कि वो जो है अभी भी चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो इसमें क्या चीज चेंज हुई, तो इसमें जो है वो एंगल चेंज हुआ, मतलब उसने अपनी रेवोल्यूशन को जो है वो इंक्रीज किया। तो हम पढ़ रहे इफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इसने सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, देन इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो यहां पर जो हम कह सकते हैं कि इसने एक सर्कुलर मोशन जो है वो फॉलो किया। तो यहां पर जो होगा बेसिकली एंगल कवर होता है, एंगुलर मोमेंटम यहां पर इंक्रीज होता है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है और यहां पर लीनियर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। इस बात को जो है वो आप याद रखेंगे। अब हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन कैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन किसके लिए था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, ट्रांसलेशन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स मतलब पूरी बॉडी के लिए था। सिमिलरली सर्कुलर मोशन जो होगा वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अगर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन एंगुलर मोशन जो है वो फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल की जगह पूरा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है, पूरी बॉडी है, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग ऑन ए सर्कुलर पाथ About some axis, then it is said to be its motion. तो हम इसे कहेंगे कि ये किस भी मोशन में है, रोटेशनल मोशन। तो यहां पर सिंगल पार्टिकल के लिए सर्कुलर मोशन और सिस्टम ऑफ द पार्टिकल के लिए रोटेशनल मोशन, इसी को हम समझेंगे। हमारे पास ग्लोब है, हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब को हमने जो है रोटेट किया। अब वो जो रोटेशन है पूरी अपनी एक्सिस पे जो है वो रोटेट हो रहा है, और वो जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होगा वो कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, ये हमने एक ग्लोब बनाया, इसका एक एक्सिस बना देते हैं, ये सपोज इसका एक एक्सिस है, इस ग्लोब का एक्सिस है। अब ग्लोब ने जब रोटेट किया, ये वाला पूरा का पूरा रोटेट होगा, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो इसको कम कवर करना पड़ेगा, यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा कवर करना पड़ेगा, और यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कम कवर करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा था जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में सिस्टम ऑफ द पार्टिकल की, यहां पर जो पार्टिकल है, इधर जो पार्टिकल, इधर जो पार्टिकल, इधर जो पार्टिकल है, सबकी स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए, तो ये जो होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहां पर भी यही केस है ग्लोब के केस में, यहां पर जो है यहां पर भी जो ये एंगल कवर करेगा ये सेम होगा, 360 डिग्री ही एंगल होगा सबका साथ, लेकिन जो है
360 डिग्री एंगल कवर होगा और ये जो होगा सेम टाइम में कवर होना चाहिए। अगर ये 5 सेकंड ले रहा है, ये भी 5 सेकंड लेगा, ये भी 5 सेकंड लेगा। अब यहां पर कैसे काम होता है, ये जो होगा इसको डिस्टेंस इसको पता है कि ज्यादा कवर करना है, तो ये जो 5 सेकंड रहेगा ये अपनी स्पीड बढ़ा के काम करेगा और 360 डिग्री कवर करेगा उसी 5 सेकंड में, ये अपनी स्पीड को कम कर देगा और उसी 360 डिग्री एंगल को कवर करेगा उसी 5 सेकंड में। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। और अगर इनकी स्पीड जो होगी, अगर इनका जो है वो सेम नहीं हुआ, सेम अगर इनका जो एंगल कवर सेम नहीं हुआ, तो ये जो होगा रोटेशनल मोशन जो होगा वो शो नहीं करेगा। और नेक्स्ट आप देखिए, अभी मोशन आती है हमारी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास जो है एक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम, जैसे कि आप समझ लीजिए ये पेंडुलम है, यहां से मोशन शुरू होती है, ये स्ट्रिंग लगा होगा, एक बार पार्टिकल यहां पर जाता है फिर वापस आता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन रहती है। तो यहां पर इस तरीके से समझेंगे हम, ये हमारे पास जो है कोई बॉल लगा हुआ है, ये बॉल यहां से यहां पर चला गया और फिर ये बॉल जो होता है वो वापस आता है यहां पर, तो यहां पर जो मोशन तो होगी, यहां पर बॉल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहां से आता है यहां पर चला जाता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। अपनी पोजीशन को तो चेंज करता है लेकिन वापस उस पोजीशन पे भी आ जाता है और वहां से वापस चला जाता है, तो ऐसी टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पर हमने बेसिक के लिए है वो टाइप्स जानी, मोशन की टाइप्स जानी। सो यहां पर हम जानेंगे मास, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी क्वांटिटीज जो है क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इनको जानने से पहले हमें स्केलर और वेक्टर का जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्केलर क्या होता है हम इसके बारे में पहले जानते हैं और विजुअलाइज करा के जो है ये चीज टॉपिक को पढ़ेंगे हमारी अपनी डेली लाइफ से। तो स्केलर क्या होता है, जैसे कि आपको जो है डेफिनेशन दिख रही होगी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले स्केलर क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। पहला पॉइंट आप ले लें, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने ये तो समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या होता है इसे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स जो है आपको किसी शॉप पे भेजते हैं और शॉप पे ये कहते हैं आपको कि आप राइस लेके आए, आप शॉप पे जाते हैं राइस लेने, आप शॉपकीपर को कहते हैं राइस लेने, तो शॉपकीपर आपको क्या कहेगा बच्चे को कि कितना राइस लेना है आपको, 10 kg लेना है, 5 kg लेना है, 15 kg लेना है। तो क्वेश्चन जो है शॉपकीपर आपको क्या पूछेगा, हाउ मच, तो वो हाउ मच जो है अगर आप उसका रिप्लाई देंगे 5 kg 10 kg तो वो क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा। फिजिक्स के टर्म में उस चीज को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो पहली क्वांटिटी जो है हम मास है, तो मास को समझने के लिए हमने समझा कि जो क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं उसको कि हमें 5 kg राइस दे, तो आपको शॉपकीपर कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको 5 kg जो है वो राइस दे देगा। तो हमने शॉपकीपर को जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कब दे रहे, जब हम उसे किसी भी क्वांटिटी का जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो हमारे पास क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड कहते ही हम उनका, जिनका मैग्नीट्यूड जैसे हमने कह दिया तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर जो है मैग्नीट्यूड अगर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि मास है, मास के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास को हम जिस भी यूनिट में जो है मेजर करते हैं, जैसे किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं, वो उसका जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 kg 10 kg 12 kg, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। अब लेंथ को जो है हम किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं यहां से लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर का डिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 300 किलोमीटर।
तो यहां पर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि यहां से लेकर जो है वहां का डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। तो मतलब जो लेंथ होगी वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। बट अगर मैंने आपको वो स्पीड ले लेते हैं, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करना है वो लेंथ ही तो है। टेम्परेचर, आप अपने न्यूज़पेपर पे डेली पढ़ते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना, कल का टेम्परेचर इतना, नाइट का टेम्परेचर इतना, मतलब ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो टेम्परेचर है जम्मू का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार आज का टेम्परेचर यहां पर इतना है। बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर को भी हम जो है कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आप अपनी कार में जो है प्रेशर ये बढ़ा रहे हैं, आप उसे कहते हैं जो भी भर रहा होगा, फिल कर रहा होगा, कि इसमें 20 बार कर लीजिए या जितना भी जो है वो प्रेशर कर लीजिए। तो प्रेशर भी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। बात करेंगे स्पीड की, स्पीड आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे ऑडोमीटर लगा हुआ है और ऑडोमीटर आपकी गाड़ी की जो है वो स्पीड मेजर कर रहा है, तो स्पीड जो है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है आपकी गाड़ी की कि हम जो चल रहे हैं गाड़ी में उसकी जो स्पीड है वो इतनी किलोमीटर है। तो आपको वो जो स्पीड दे रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है, हर मौके पर आपको स्पीड देता है, वो एवरेज स्पीड नहीं दे रहा। आगे जब हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे स्पीड, हमें इसी यूनिट में पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहां पर आपको यह जान लेना चाहिए जो स्पीड होती है ये भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कल को आपको जो डिफरेंस होगा स्पीड और वेलोसिटी में लिखना, तो आप एक डिफरेंस ये भी दे सकते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात करेंगे फोर्स की, अब फोर्स है, हमने एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड को जो है वो पुश करना है, इस बोर्ड को उठाना है। अब मैं उठाने वाला हूं इस बोर्ड को, अगर मैं ये छोटे बच्चों को ले आऊं, ठीक है 10 साल के बच्चे को, उसे बोलूं ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है उठाइए, क्या वो इस बोर्ड को उठा सकेगा? तो आपका आंसर जो होगा वो नहीं। क्यों नहीं उठा सकता है? तो मतलब उसे जो है कुछ फोर्स की और जरूरत होगी, अगर उसको वो फोर्स मिल जाए तो वो ये बोर्ड जो है वो उठा सकता है। तो यहां पर जो है ये भी जो है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो है स्पीड जो है मोशन है, ये हम आप अभी जो है इसका डिफरेंस समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉन अ स्केलर क्वांटिटी। तो होपफुली आप समझ गए होंगे किस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो मैग्नीट्यूड हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मास हमारे पास है, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है, ये कौन सी क्वांटिटीज होती है? ये क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटी। बात करते हैं टाइम की, क्या टाइम जो है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है मैग्नीट्यूड? बिल्कुल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ, आपको सुबह जो है आप यहाँ पर हमारे सेंटर में या स्टूडियो में कितने बजे आएंगे? आप कह रहे हैं मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा, ये 1 घंटा जो है वो मैग्नीट्यूड बोल रहा है। तो मतलब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पर्सन जो है वो 1 घंटे के बाद जो है हमारे स्टूडियो में आ रहा है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? ए फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मतलब वो क्वांटिटीज जिनके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बोले तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, बट अगर हम उसमें डायरेक्शन को ऐड करें तो वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम कह सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय सिंपल एग्जांपल। आपने मुझे एड्रेस पूछा कि हमारे सेंटर से होम एकेडमी स्टूडियो से जो है आपको शॉपिंग मॉल जाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि यहां से जो है डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर है और आप यहां सेंटर से बाहर जाते हैं और 8 किलोमीटर जो है किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बना देता हूं एक चीज, ये हमारा सेंटर है, शॉपिंग मॉल जो है वो यहां पर है, यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है।
बट मैंने आपको बोला कि यहां से जो है वो डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर है, और आप 8 किलोमीटर जो है वो इस डायरेक्शन में चले गए, और यहां पर जाने के बाद मुझे फोन करते हैं कि यहां पर कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। तो मतलब मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं कही। अगर मैं कहता आपको यहां से ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, अगर मैं कहता आपको अपने सेंटर से जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जाना है, आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जाना है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती। तो आप जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जाते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में, मतलब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रहे वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये जो क्वांटिटीज होती है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। आपने देखा स्पीड, गाड़ी में जो आपका ऑडोमीटर लगा होता है वो आपकी स्पीड मेजर करता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बोलता है बट वेलोसिटी नहीं बोलता। तो वेलोसिटी क्या होती है, इसमें आपकी जो है स्पीड भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। आपको ये तक बताता है, जो आपको ये बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शिप है, शिप में आपको अगर वेलोसिटी बता रहा है, आपको जो है समुद्र में आप हैं, आप ओशन में, आपको वो बोल रहा है कि आप जो है इतनी स्पीड से चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। विंड आती है, विंड की हम वेलोसिटी देखते हैं कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, इतने किलोमीटर पर आवर से जो है वो चल रही है, तो हम वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, स्केलर ओबे अलजेब्रिक रूल्स फॉर द ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है वो अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करती है। आपने अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे कि मैंने 5 को 5 से एड किया, स्केलर जो होती है वो अलजेब्रिक लॉ को जो है वो ओबे करती है, और वेक्टर जो होती है वो अलजेब्रिक लॉ को ओबे नहीं करती। उनके लिए हमारे पास कुछ और लॉज होते हैं जिन्हें होते हैं वेक्टर एडिशन का। तो स्केलर ओबे अलजेब्रिक रूल्स फॉर द ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास है 5 kg, राइस लिया हमने 5 kg, हमने और राइस लिया दूसरी शॉप से 5 kg, चलिए 15 kg लिख देते हैं। तो अगर हमने पूछा अब टोटल राइस कितना है, तो हम कह सकते हैं टोटल राइस जो होगा वो 20 kg होगा, तो हम इसे जो है वो एड कर सकते हैं। हमने स्पीड की बात की, स्पीड हमारे पास जो है, वैसे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है वो कवर करते हैं, ठीक है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की। हमने स्पीड देखी, स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरी स्पीड हम ले रहे 10 मीटर पर सेकेंड, हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो मतलब हम इन्हें जो है एल्जेब्रिक लॉ से जो है वो, एल्जेब्रिक लॉ क्या होते हैं, कॉमन प्लस माइनस जो करते हैं। लेकिन पर अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर ओबे वेक्टर अलजेब्रा फॉर द ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर के लिए जो है वेक्टर अलजेब्रा का यूज किया जाता है, उनको एडिशन करने के लिए, उनकी मल्टीप्लीकेशन को ऐड करने के लिए, या मल्टीप्लीकेशन करने के लिए या एडिशन करने के लिए। अब क्या होते हैं ये वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें आपके ट्रायंगुलर लॉज आते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। तो फिर भी एक आइडिया समझ दे देता हूं क्या होता है। हमारे पास एक वेक्टर होता है, पहले तो वेक्टर की जो है नोटेशन समझ लीजिए, फिर इससे हम पढ़ सकते हैं वेक्टर को। जो हम जैसे कि किसी भी चीज का नॉर्मल क्लेचर होता है, हम ह्यूमन है, हम हमारी जो ह्यूमन की रेस है, हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, हम जो हमें, अगर हमें आपका किसी का भी नाम ले लेता हूं उससे हमें उसका जेंडर पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का ना गर्ल का नाम ले लिया, किसी लड़की का नाम ले लिया, तो उसके नाम से हमें उसका जेंडर पता चल जाता है।
किसी बॉय का ले लिया हमको उसके नाम से उसका जेंडर पता चल जाता है, किसी की कास्ट ले ली हमको उसके उसका रिलीजन पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल कल्चर किया जाता है, बट क्या है फिजिकल क्वांटिटीज में भी हमारे पास कोई ऐसा नॉर्मल कल्चर है? बिल्कुल है। क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसे हम जो है वेक्टर, जो है वेक्टर के लिए हमारे पास कुछ ऐसे निशान है जिससे हम जो है वेक्टर क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फोर्स है, फोर्स है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के ऊपर हम एरो डालते हैं ऐसे। अब ये एरो के दो पार्ट है, आप इधर देख सकते हैं, एक पार्ट इसका ये है टेल, इसे हम टेल कहते हैं, और एक इसका जो है वो हेड है, हेड में एरो है। जो टेल होती है ये इसका मैग्नीट्यूड शो करती है, क्योंकि क्या शो करती है मैग्नीट्यूड, और जो एरो होता है वो इसकी डायरेक्शन शो करता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर भी ऐसा निशान हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करते हैं, और यह हमें पता है वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में होते हैं। तो हमने यहां पर समझा वेक्टर क्या होता है। अब जब रिप्रेजेंट करना होता है इनकी एडिशन, इसी एरो का यूज किया जाता है। हमारे पास वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर बी है, इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए, इसे हम लिखेंगे वेक्टर बी। अब जब हमें इन दोनों का एड करना होगा, यहां पर तो सिंपल 5+5 करके हम 20 kg कर रहे थे, बट यहां पर एडिशन ऐसे नहीं होती। यहां पर टेल से टेल इनका जो मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी अगर हम करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा, ये a होगा ये b होगा। तो मतलब यहां पर टेल से टेल को जोड़ा जाता है, हेड से हेड को जोड़ा जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इनका लास्ट पॉइंट, अ स्केलर कैन डिवाइड अनदर स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो दूसरी स्केलर क्वांटिटी को जो है डिवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड है, बट यहां पर वेक्टर में जो है दोनों जो है एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। मे बी एक क्वांटिटी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही होगी और दूसरी क्वांटिटी जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रही होगी, तो यहां पर जो है हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो टू वेक्टर कैन नेवर डिवाइड ईच अदर, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए। तो दो क्वांटिटी जो होती है दे कैन नेवर डिवाइड ईच अदर, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। हमारे पास ये एक नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो दो क्वांटिटीज जो होती है वेक्टर क्वांटिटीज, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, उनकी डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, मैं कह रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम जान से जानेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होगी और एक स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड भी है और साथ में डायरेक्शन भी, मतलब ये जो है इसकी वेलोसिटी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सेम वेलोसिटी से, तो मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हम इसे जो है डिवाइड नहीं कर सकते। What is motion? We know motion is related to the change of position. Motion क्या होता है? Motion relate है change of position से। हमने पढ़ा था rest और motion जो है वो relative terms है, और motion क्या होता है is related to the change of position। तो हमें तो पहले position जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, और position को हम कैसे locate करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम लोकेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को जो है वो लोकेट करना चाहे, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं जो है वो ए लिख लेता हूं, और हमारे पास तीन एक्सिस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस दिख रहा है वो आपको कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक एक्सिस हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और एक एक्सिस है हमारा इस डायरेक्शन में जिसे हम जी एक्सिस कहते हैं,
और ये हमारे तीन जो है एक्स वाई जेड जो है वो एक्सिस है, और यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, और हमने मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, मोशन इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब मोशन तब होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन जो होती है वो चेंज होती है। तो मतलब यहां पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसकी पहले पोजीशन जो है वो कैसे लोकेट करेंगे और फिर हम चेंज इन पोजीशन को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर लोकेट करना चाहे हम देखेंगे ये हमारा जो ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाले, एक्स एक्सिस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक्स एक्स के की कोई वैल्यू हो लेगा, और सिमिलरली हम वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाले तो हमें वाई एक्सिस की जो है वो वैल्यू पता चलेगी। और इस तरीके से जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए की पोजीशन है, लेट सपोज ये 10 है एक्स एक्सिस और ये 5 है, तो हम कह सकते हैं 10 और 5 जो है वो पोजीशन है किसकी, पोजीशन ए की है। और हमने पढ़ा है मोशन इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ पोजीशन। अब इस मोशन इस पोजीशन ए को जो है यहां से इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज करते हैं ताकि कोई ना कोई मोशन हो जाए। और अगर हम इसको पोजीशन चेंज करते हैं, हम यहां पर ले आते हैं इसकी पोजीशन और हम इसे नाम देते हैं ए डैश, और अब इसकी जो पोजीशन होगी ये 14 कर दीजिए 14, और यहां पर जो हो जाएगी ये 3 हो जाएगी, तो 14 3 जो है अब इसकी एक नई पोजीशन है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने पढ़ा था मोशन डायरेक्टली लीनियर मोशन पढ़े थे कि अगर बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, मतलब उसने अपना एक डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस कवर किया तो वो मोशन कहलाती है। और सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हमने अगर एंगल में चेंजेस होती है तो वो एक सर्कुलर मोशन है। बट यहाँ पर अगर हम मोशन की बात करते हैं, यहाँ पर बॉडी जो है पहले यहाँ पर थी और अब वो यहाँ पर थी, और अगर मैं इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करता हूँ पॉइंट ए का तो वो कुछ इस तरीके से होगा पोजीशन वेक्टर, और अगर मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रा करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से जो होगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस की अगर बात करते थे तो वो डिस्टेंस कितना था ए, और यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो ये था टोटल। तो अब हमने पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और हम देखेंगे चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन। किसी भी दो पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे वो डिपेंड करता है उनके बीच का जो हमने पाथ है वो हमने क्या चूज किया है। जैसे कि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल थी, यहाँ पर एक पॉइंट था और अब जो है इससे फाइनल पोजीशन पे आ गया, वो इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पर जो है एक्सिस इसका जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये इस जगह जो पॉइंट पहुंचा है वो किस तरीके से पहुंचा है वो पूरा का पूरा जो पाथ होगा उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन। तो आप याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो पाथ चूजन पे जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस। तो हम पढ़ सकते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और हम जो है डिस्टेंस के साथ हमेशा ट्रेवल्ड का यूज करते हैं, मतलब पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ। क्या कौन सा पाथ होता है, ये एक्चुअल पाथ होता है जो कि बॉडी ने चूज किया है अपनी इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और सेकंड बात इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, जो एक्चुअली में बॉडी जो है वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जा रही है, उसे क्या बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बॉडी है वो यहाँ पर है, और ये बॉडी जो है यहाँ से इधर चली गई, इधर से चली गई, इधर चली गई, और फिर वो यहाँ पर होके आ गई, और यहाँ पर ए पोजीशन थी इसकी और अब हम इसे ए डैश लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो इसने यानी पूरा का पूरा ये ज़िगज़ैग पाथ कवर किया, ये इसका जो होगा वो डिस्टेंस होगा, ये इसका क्या होगा वो डिस्टेंस होगा। और इसी को जो है यहाँ पर समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि यहाँ से शुरू हुई, इसका नाम ए लिख देते हैं, और फिर ये बॉडी यहाँ पर चली गई बी, ए से इसने बी तक गई, पहले इसने 5 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया,
in the east direction. Now from D से D से लेके इसने C तक डिस्टेंस कवर किया और किस डायरेक्शन में किया इसने साउथ डायरेक्शन जो है वो डिस्टेंस कवर किया. फिर C से इसने डिस्टेंस कवर किया D की तरफ और किस डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो जो है वेस्ट डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया और कितना किया 4 मीटर. और फिर D से लेकर वापस A की तरफ इसने डिस्टेंस कवर किया इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो कहने का यह मतलब अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा. यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये 5 प्लस ये 3 प्लस 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मीटर का डिस्टेंस होगा. और ये जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हमने देखा कि किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं की, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड करके आ गया. तो डिस्टेंस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. तो हम कह सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड एंड बट नो डायरेक्शन. तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नहीं होती. तो ये हमारी जो है डिस्टेंस की डेफिनेशन है. और डायमेंशन की बात करूंगा, डायमेंशन जो डिस्टेंस की है वो एम एल नॉट एल वन टी नॉट एम नॉट एल वन टी नॉट. इसके जो डायमेंशन होंगे वो सेम होते हैं डिस्प्लेसमेंट के. इसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है इसका डिस्प्लेसमेंट का. तो कहने का ये मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट होते हैं जो डायमेंशंस होती है वो सेम रहती है. बट डिफरेंस कहाँ पर होता है, इनकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में. ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये जो रहती है डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट is measured by the straight path between the two point. कैसे मेजर करते हैं, by the straight path between the two point. किसी भी दो points के बीच में जो displacement होती है वो एक straight path होता है between the two points. यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि movement क्या होती है, जैसे motion जो हो गई यहाँ पर और फिर final position यहाँ पर आ गई. अभी ये जो distance है इनका, ये जो डिस्टेंस होगा ये जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज मेजर बाय द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट. दो पॉइंट्स के बीच में जो होगा वो स्ट्रेट पाथ जो था वो हमारा क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट. तो मतलब ये दो जो थे पोजीशन वेक्टर थे ए और बी और इनके बीच में जो ये बना ये क्या हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट. और यहीं पर एग्जांपल में बात करते हैं, हमने देख लिया ये पूरा का पूरा पाथ है, यह इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये वाली जो थी वो फाइनल पोजीशन थी. और ये यहां से कवर किया इसने जो भी डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये इसने 100 मीटर कवर किया, तो ये क्या था इसका डिस्टेंस. बट ये जो डिस्टेंस था इन दो के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट. तो आगे हम पढ़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इसी बात को हम पढ़ेंगे. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. जो इनिशियल पोजीशन थी हमारी ये वाली और जो फाइनल पोजीशन थी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजिशन. और किस पोजिशन, किस डायरेक्शन में होती है, फाइनल पोजिशन की तरफ. जैसे कि ये हमारा था, ये हमारा एक पॉइंट था और ये हमारा दूसरा पॉइंट था. तो ये हमेशा फाइनल पोजिशन की तरफ होगी, फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. तो याद रहेगी आपको ये बात. और जो डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन की तरफ होती है, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होती है. तो इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो याद रहेगा आपको जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. बात करेंगे इसकी डिस्टेंस की.
डिस्टेंस जो होता है दे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है। अगर पाथ ट्रेवल्ड ही ना हो तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बट अगर पाथ ट्रेवल है, कुछ ना कुछ है, तो मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन जीरो भी हो सकती है। नेगेटिव क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन है और इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजिशन, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन, तो इस वजह से जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर जो है डिफरेंस निकालेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो नेगेटिव आ जाए। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो क्यों होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चलिए मार्कर ही है, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका। जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये मेरे हाथ में था इनिशियल पोजिशन में, जब ऊपर से ये नीचे आया तो ये फाइनल पोजिशन में आया और फाइनल पोजीशन दोबारा इसकी यही हाथ है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जीरो है। तो जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उसका डिफरेंस क्या निकालेंगे, वो जीरो ही होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो होगी जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जीरो होती है। और बट अगर इसी में मैं डिस्टेंस की बात करूं, जो मैंने ऊपर फेंका, यहां से इसने हाइट एच ली और वापस आते हुए भी एच डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस जो होगा वो 2h होगा, क्योंकि ये एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड होता है, एक बार यहां से गया और दूसरी बार नीचे आया, तो ये क्या होगा 2h होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जीरो होगी। तो यहां पर हमने जाना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ डिफरेंस। यहां पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमने स्केलर और वेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने वहां पर वेक्टर की कैलकुलेशंस भी देखी कैसे हम जो है वेक्टर को जो है फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखते हैं हमारे पास जो है एक डायरेक्शन दी गई है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, 11 किलोमीटर का वो ट्रेवल करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, 11 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है, तो बोलो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से अलजेब्रिक सम की तरह ऐड नहीं करते, इन्हें जो है इनका रिजल्टेंट निकाल के ऐड करते हैं। ये 11 किलोमीटर है, ये हमने जो है 11 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन बना दिया ए से लेकर डी तक, और फिर इस डायरेक्शन में जाता है बी से लेकर ई ही रख लीजिए ई तक, ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। और जब इसका वेक्टर निकालना होगा, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो क्या होगा, ये एरो यहां की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में, ये ईस्ट की तरफ, इससे टेल से टेल मिलाई जाए और हेड से जो है हेड मिलाया जाए, तो ये जो होगा इसका रिजल्टेंट निकलेगा। और अगर हम निकालेंगे रिजल्टेंट को, क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस 121 होता है इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 121 और 121 टू होगा, यहाँ पर 4 होगा और ये 242 होगा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म कर देंगे तो इसका जो है वो रूट निकालेंगे, और हमें पता है ये तकरीबन 15 साल जो होता है 225 होता है, 15 से कुछ ज्यादा होगा, मतलब 15.6 तक होगा, लेट अस सपोज इतना होगा। तो इस तरीके से जो है इसका रिजल्टेंट भी जो है वो निकाला जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, इसमें हम बेसिक अभी जो है पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, और साथ में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है इसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे। पहले आप थ्योरी जो पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो है हम इसका जो है दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। और यहीं पर याद रहे एसआई यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस का मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट जो होता है।